डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेगा। 20वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। भारत इससे पहले 2016 में हुए सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर चुका है, जिसके चलते सार्क सम्मेलन को रद्द करना पड़ा था। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। लाहौर में करतारपुर को अनंत संभावना वाला गलियारा बताया गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर हुई आलोचना को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि वो गले मिले थे, ना कि उन्होंने कोई राफेल डील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS और कांग्रेस पार्टी में परिवार का शासन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दोस्ताना मैच खेल रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता विलास राव मुतेवार के PM नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में सवाल पूछे जाने पर मोदी के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या महात्मा गांधी और सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को पता था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी है और भी बढ़ने की आशंका है। अरविंद केजरीवाल ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में गलत FIR दर्ज किए जाने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि यह शर्मनाक है और अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को FIR में IPC की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। आजमगढ़ जिले में फर्जी एफिडेविट के सहारे 34 अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग में नौकरी हासिल कर ली। इस मामले का खुलासा होने के बाद 14 सिपाहियों की सेवा समाप्ति के लिए शासन और भर्ती बोर्ड को पत्र लिखा है, जबकि बाकी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और पुलवामा जिलों में दो अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं और 1 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। कुलवामा मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए, वहीं पुलवामा में मारे गए आतंकियों का नाता ISIS से जुड़े गिरोह अंसार गज फतुल हिंद से था। भारतीय महिला क्रिकेट में शुरू हुई कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है। पूर्व कप्तान मिताली राज को BCCI को एक उन्होंने चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि रमेश पवार पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। मिताली भारतीय महिला टीम की सबसे कामयाब बल्लेबाज है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर मोहम्मद अजीज का आज निधन हो गया। मोहम्मद अजीज 64 साल के थे। वो कोलकाता से शो करके वापस मुंबई लौट रहे थे, उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो ये थी देश की 10 बड़ी खबरें और चलते चलते बस